चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह भी अब निरहुआ के सपोर्ट में आ चुके हैं। जी आपको बता दें कि निरहुआ जो कि अब अभिनेता से नेता बन चुके हैं, वो अब आजमगढ़ की धरती से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी अखिलेश यादव के खिलाफ। वह दिन ब दिन कई सारी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और रैलियों में आजमगढ़ के लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। तभी तो आजमगढ़ की धरती पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का काफी बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। इस पर भोजपुरी फिल्मों की हॉट अदाकारा अक्षरा सिंह भी अब निरहुआ के सपोर्ट में आ चुके हैं। उन्होंने भी निरहुआ के लिए वोट मांगने की अपील किया है। जी आपको बता दें कि अक्षरा सिंह भी अब आजमगढ़ की धरती पर जाकर निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं और निरहुआ के लिए वोट मांगने वाले हैं। अब देखना यह है कि अक्षरा सिंह के इस बयान से भोजपुरी के लोगों का कितना फायदा होगा, या तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि अक्षरा सिंह अब निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ के लिए सपोर्ट में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग आ चुके हैं। तभी तो निरहुआ के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आजमगढ़ की धरती पर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जमावड़ा लगा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ इन दिनों अपने चुनावी सभा को हमेशा लाइव कर देते हैं। तभी तो इनके वीडियो हमेशा YouTube हो या सोशल मीडिया पर इनके वीडियो हमेशा वायरल हो रहते हैं। अब देखना यह है कि निरहुआ की पॉपुलैरिटी का फायदा क्या भाजपा को मिल पाएगी या फिर निरहुआ चुनाव जीत पाएंगे, ऐसा तो सोशल मीडिया से देखने से पता चलता है। लेकिन अखिलेश यादव के टक्कर में कुछ लोगों का मानना है कि निरहुआ यहां से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब तो ये फाइनली चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन निरहुआ अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे और वो दिन ब दिन कई सारी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी है पर आप तो परिवारवादी हैं, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी छोटी सोच के साथ आप इतने बड़े देश को नहीं चला सकते, जहाँ की अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। अगर सबको साथ लेके चलना है तो आपकी जो सोच है उसका दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इतने छोटे सोच के साथ सिर्फ मेरी पत्नी लड़े, मेरा बेटा लड़े, मेरा चाचा लड़े, ये लोग सिर्फ सत्ता में काबिज रहे, इतनी छोटी सोच के साथ बढ़िया नहीं बन सकता। मुझे ऐसा विनोद खासतौर से ये बताइए कि जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों का अनुभव आपको अच्छा लगा है, दोनों में क्या अंतर लगा है? क्या कोई अंतर नहीं है? वहाँ भी मैं मेहनत करता हूँ, वहाँ मुझे जब मौका मिला अभिनेता के रूप में तो मैंने 18-18 घंटे मेहनत किया, काम किया, लोगों ने पसंद किया, लोगों को अच्छा लगा। आज जब मुझे राजनीति में मौका मिला है, आज भी मैं 18-18 घंटे घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और उनका।